नमस्कार। परसों किसी ने पूछा कि घर में एक बैठक में गाना सुनना, अपने शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है, और किसी महोत्सव में वही गाना सुनना, इसमें फर्क क्या है। कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत जो है, क्लासिकल म्यूजिक, इज डिमांडिंग ऑफ अ लिसनर। उसकी कुछ अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस होती है श्रोता से। जब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात आती है तो इससे बढ़कर संगीत श्रोता का सहभाग, पार्टिसिपेशन भी चाहता है। शास्त्रीय संगीत का पर्पस है राग, और उस राग को प्रेजेंट करना, दिखाना, ये पर्पस है कलाकार का, और वही वो कर रहा है आपके सामने। तो कलाकार क्या कर रहा है कि उसको जो सुंदरता दिखाई दे रही है राग में, और राग प्रेजेंट करते हुए, राग को पेश करते हुए, जो मटेरियल वो बना रहा है उसकी सुंदरता, ये दोनों आप तक पहुंचाने की कोशिश वो कलाकार कर रहा है। जिस श्रोता को ये सुंदरता महसूस होगी वो सही तरीके से उसको दाद देगा, उसको एप्रिशिएट करेगा, और यही जो एप्रिसिएशन है ये कलाकार की प्रेरणा बन जाती है आगे चल के और कुछ सुंदर करने की। अब मेरा आपसे एक यही सवाल है कि क्या ये किसी बड़े महोत्सव में, जहां पे आप हजारों श्रोताओं में बैठे हो, कहीं दूर जहां से आपको कलाकार नजर भी नहीं आ रहा है, संभव है?